नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। घड़ी के ठीक 7 बज चुके हैं और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में वक्त हो चुका है देश की बात का। देश में इन दिनों विपक्षी एकजुटता पर खूब जोर दिया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। जी हां, बुधवार को नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात की। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू चीफ राजीव रंजन सिंह भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। अब इस मुलाकात के बाद कयास लगाया जा रहा है कि जेडीयू और कांग्रेस के बीच की तकरार खत्म हो जाएगी। इससे पहले नीतीश कुमार मंगलवार शाम को लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे। यहां उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर इन मुलाकातों को अहम माना जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार का क्या ये मास्टर स्ट्रोक 2024 में कुछ कमाल दिखा पाएगा, या नीतीश कुमार का यू फ्रंट फुट पर खेलना कहीं पीएम दावेदार में आगे रहने का तो नहीं है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वहीं इस मुलाकात के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा है कि विपक्ष को का एकजुट करने में ये ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हमारे साथ आएगा उसे हम साथ लेकर चलेंगे। विपक्ष को एक करने में बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। और क्या कुछ इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, आपको सुनवाते हैं। ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा। तो देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ आएगा हम उनको साथ लेके चलेंगे। तो वहीं देखिए, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने यह कहा कि अभी बात हो गई है, हमने काफी देर चर्चा की है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना है, हम आगे एक साथ काम करेंगे, ये तय हो चुका है, सब मिलकर चलेंगे। और क्या कुछ इस दौरान नीतीश कुमार का कहना है, सुनवाते हैं आपको। काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास कर और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे, ये बात तय हो गई है। और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम। तो वहीं देखिए, मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि हमने आज वहां ऐतिहासिक बैठक की है, हम सभी पार्टियों को एकजुट करेंगे और एक होकर आगे के चुनाव लड़ेंगे। और क्या कुछ कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, सुनिए। और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे
जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना, तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहां बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सुना आपने, हर कोई, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, नीतीश कुमार हो, तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए कि जितनी भी पार्टियां हो सकती हैं उनको एकजुट किया जाएगा और उनको साथ लेकर चलेंगे। हालांकि ये रणनीति देखिए बनाई गई है, आज उस मुलाकात में ये बातचीत हो गई है, लेकिन ये जो बातचीत हुई है ये कितनी सफल हो पाएगी? क्योंकि देखिए, इससे पहले भी कोशिश की गई थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकजुट होने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, अलग थलग होकर रह गया विपक्ष। लेकिन अब एक बार फिर से इसको उसी रफ्तार में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका प्रभाव कितना 2024 में पड़ेगा, क्योंकि तैयारी 2024 की है, और यही वजह है कि आज दिल्ली में ये मुलाकात देखने को मिल रही है। ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं, जो अंतर्कलह चल रही है कांग्रेस में इस बीच, क्योंकि इससे पहले हमने राजस्थान में जो पूरा प्रकरण देखा, सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर उनके देखने को मिले, दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस विपक्षी एकता के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश तमाम पार्टियां करती हुई नजर आएंगी, या फिर एक बार फिर से ये जो फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं वो फ्लॉप हो जाएगा, ये देखना इस बीच अहम हो जाता है। तो सवाल कई खड़े उठ रहे हैं, जो आज मुलाकात की गई उसके मायने क्या क्या है, इसी के साथ ही विपक्षी एकता की तस्वीर ये कहती क्या है, क्योंकि जो करने की कोशिश हो की जा रही है उसमें सफल हो पाएंगे या फिर नहीं, तो ये अहम हो जाता है। इस बीच देखिए, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं और इसके मायने क्या हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद शमशाद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। और सबसे पहले धनंजय जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, मुलाकात जो हुई है दिल्ली में, क्या इसको कहा जाएगा, क्योंकि देखिए कोशिश पहले भी की गई थी और लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया, और अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है विपक्ष को मजबूत करने की, सभी को एक साथ लाने की, क्या लग रहा है सर आपको? ये देखिए, ये तो बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, आप भी सुन रही हैं, विपक्षी एकता। लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, चाहे दो राजनीतिक दल हो या 200 राजनीतिक दल हो, मामला राजनीतिक दलों का नहीं, मामला देश की जनता का है। जनता तय करती है वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म नेता कौन हुआ, तृतीय नेता कौन हुआ, ये दिनकर राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है। जिसने ने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, तो जिसने कभी आराम नहीं करना और विघ्नों में रहकर काम करना, ऐसा व्यक्तित्व तो पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरी दुनिया जिनकी मुरीद बन चुकी है, पूरी दुनिया और देश का एक एक आम गांव, गरीब, किसान और जवान, हर कोई जानता है कि हमारा नेता कौन है। जनता निजा राधवीर को स्वयं लेती पहचान, इस देश की जनता ने जिसको चुन लिया। और कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी रही है, और आज भी विपक्ष में सबसे बड़ा दल है। लेकिन कांग्रेस के यहाँ, कांग्रेस राजनीतिक रेस से कुछ इस कदर बाहर हुई है कि आप देख लीजिए, कांग्रेस खुद नेतृत्व करने में अक्षम महसूस कर रही है। अब कांग्रेस किसी बाहरी व्यक्ति को अगर कन्वेनर बनाती है, नेतृत्व देती है, तो इसका मतलब है कि लड़ाई के पहले ही मुख्य राजनीतिक दल ने हार मान ली, मुख्य राजनीतिक दल ने हथियार रख दिया कि मेरे होते पार में ना दादा, ये हमारे पास की बात नहीं है। और जैसे ही कांग्रेस की ने स्वीकारोक्ति दे दी कि हमसे नहीं हो पाएगा, अलग अलग प्लेयर आने लगे, अलग अलग लोगों को बुलाया जाने लगा। इससे पता चलता है कि सबको लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व इतना विराट और विशाल है, उनका वक्त और उनका कद, उनका वकार इतना ऊंचा है कि उसके आसपास भी कोई नहीं जा पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2013 में सीटें पाई थी, 2014 में सीटें पाई थी, 2019 में उससे ज्यादा पाया, आप मुतमईन रहे कि 2024 में उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। इस बात को सब लोग जान रहे हैं और राजनीतिक कवायद चल रही है, मीटिंग बैठने का, मिलने जुलने का दौर चल रहा है। मीडिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना। आप बताइए, किसी राजनीतिक दल ने कुछ कहा, किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी, सबके अपने अपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था संसद में कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं और हद तो ये कि तुम्हें यकीन नहीं है। तो जिनके पाँव के नीचे जमीन नहीं है लेकिन आसमान है, अरमानों का आसमान है, और सभी अपने अपने डाल के पंछी है, सभी सब अपने अपने अरमानों के आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन उसका हकीकत के धरातल से कहीं कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब
अहमद जी से ही ले लेती हूँ, वो अब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो। धनंजय जी देखिए, सवाल ये कि 2024 की तैयारी चल रही है, 2024 के लिए मोर्चेबंदी हो रही है, कोई चेहरा सोचा है आप लोगों ने, कौन होगा विपक्ष का चेहरा? आप धनंजय जी से पूछ रही हैं, हमसे पूछ? अहमद जी आपसे। गलती हो गई थी पूछने। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ जी। साथ ही बहन जी, मैं आपसे एक बात और अपने बड़े भाई से भी कहना चाहता हूँ। अभी आपने जो कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं रेस से बाहर है और ये फैसला बना लिया कि उसका नेता कौन होगा, तो ये इतनी जल्दीबाजी आपको कैसे हो रही है कि हमने फैसला ले लिया और उन्होंने फैसला ले लिया? दूसरी बात, मैं विषय पे आता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात करी है और साथ में हमारे हिंदुस्तान के युवा नेता और सबके दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी भी मौजूद रहे। अब पूरा देश देखा, उनकी बातों को सुना। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि 31 जुलाई 2022 को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक अपना भाषण, अहमद जी आप कह रहे हैं कि आपने पहले से ही क्यों सोच लिया, लेकिन अगर आप इतने मजबूत होते, खुद अपने आप को मानते, तो विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप अकेले लड़ते। भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार इस देश में नहीं है, एनडीए की सरकार है और 2019 में 22 से ज्यादा दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और मैं वही कहने जा रहा हूँ आपसे कि 2019 के बाद स्थिति कैसी है, क्या है, आपको जरा इसका ध्यान होना चाहिए और हमारे बड़े भाई को भी इसका ख्याल है। जब 31 जुलाई को जेपी नड्डा जी ने जब अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले दौर में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाली ही सरकार पूरे देश में होगी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7 दिनों के अंदर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और 7 अक्टूबर को ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला ले लिया कि अब हम भाजपा के साथ सरकार में नहीं रहेंगे और वो यूपीए की सरकार यूपीए के घटक दलों में जुड़े और आज बिहार में भारतीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू की सरकार है। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे जी आज इनके साथ नहीं है। आप असम चले जाइए, आप बंगाल चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, अकाली दल इनके साथ नहीं है। इस तरीके से जो इनके 21 दल 2019 में थे आज घट के 17 पे आ चुके हैं, तो ये क्या भरोसा दिलाएंगे कि 2024 में इनके साथ कौन सी पार्टी रहेगी? लोग आपके साथ नहीं है, उत्तर प्रदेश सचिन पायलट बगावत पर उतर आए हैं, कल अनशन पर बैठे हुए थे, राजस्थान भी गिनाइए। नहीं 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 नहीं, ये फैसला कैसे आपने जल्दी ले लिया बगावत, अपनी बात को कहना और लोगों के बीच में बैठना, अपने चुने हुए नेताओं के साथ बैठना, अपने जनता, अभी इन्होंने कहा था कि जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन के बीच में जाके पूर्व की सरकार की जो गलतियां हुई थी उसके बारे में जानकारी देना, ये कौन सी बड़ी बात होगी कि उन्होंने अलग का फैसला ले लिया? कोई चिट्ठी जारी हुई है क्या? ठीक है, चलिए, चेहरा कोई सोचा है आप लोगों ने? मुलाकात तो हो गई है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि चेहरा सब सामने आ जाएगा। आज आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना, आपने नीतीश कुमार जी को सुना, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े स्तर पे बहुत ज्यादा पार्टियां सामने आएगी और मिलजुल कर हम 2024 में सरकार बनाएंगे और आने वाले दिनों में ये तस्वीरें और साफ हो जाएगी। ठीक है, 24 में सरकार बनाएंगे। धनंजय जी क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि विपक्ष को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष खड़ा होगा और 2024 में हम ही जीतेंगे। अहमद भाई हमारे बहुत जहीन आदमी है और बहुत तरीके सलीके से अपनी बात को रखते हैं, तो उनको भी पता है कि 24 में क्या होगा और कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है, इसके लिए उनको भी दुख होगा। उस किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और उसका डे बाई डे जिस तरह से हरास हो रहा है वो भी देख रहे हैं। कहते हैं ना कि मालूम है जन्नत की हकीकत मगर दिल को बहलाने का गालिब यह ख्याल अच्छा है, तो गालिबन इस ख्याल में है वो, लेकिन उन्हें भी पता है और बाकी सारे राजनीतिक दलों को पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के साथ जिस तरह से अलायंस हुआ है, भारत की जनता, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, अकलियत से लेकर के हर कोई आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से मुकम्मल एक तरीके से खड़ा है नरेंद्र मोदी जी के पीछे चट्टानी एकता के साथ, सबको पता है कि देश का किस तरह से विकास हो रहा है। कांग्रेस के करप्शन, 70 सालों के जो घोटाले हैं कांग्रेस के, घटाटोप अंधेरों के बीच में जिस उजाले की किरण आई है और जिस तरह से भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है,
लंदन को हम लोगों ने पछाड़ा है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप बताइए, अगर इस देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसमें एक प्रदेश में तीसरे नंबर का दल है जदयू, यानी कायदे से 108वें नंबर के पोजीशन पर आता है, आप क्रोनोलॉजिकली अगर देखिएगा तो, अगर उस दल के नेता का कांग्रेस का इस तरह से खैर मकदम करना इस बात की तस्दीक करता है कि कांग्रेस में खुद के कोई ऐसा नेता नहीं बचा है, कांग्रेस में कोई ऐसी नीतियां नहीं बची हैं कि कुछ किया जा सके। और जिस तरह से आज सचिन पायलट जी ने जो किया कल, उसी को बगावत कहते हैं। बगावत का ही अंदाजे बयां राजनीति में होता है कि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए, अब इससे बड़ा बागी का तेवर क्या होता है। कांग्रेस के नेता ने कहा भी है कि कार्रवाई की जाएगी, बड़े नेता ने कहा। तो कांग्रेस हर जगह बटी हुई है। आप पंजाब में देख लीजिए, कांग्रेस कई खेमों में बटी थी, नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस के खेमे ही कांग्रेस को खाने के कारण बने हुए हैं। आप बंगाल में देखिए कौन है, कांग्रेस के स्पेस को किसने लिया, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मुपनार कांग्रेस, ये कांग्रेस, वो कांग्रेस, कांग्रेस के कितने खंड निकले। और कांग्रेस की परेशानी भाजपा या किसी और से थोड़ी है, कांग्रेस को उसके अमरबेलों से परेशानी है जो कांग्रेस से लिपटे और कांग्रेस को चट कर गए। ममता बनर्जी ने वो स्पेस ले लिया जो बंगाल में इनके पास था, और वो सारे लोग आज कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं, सीधे कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी है, हमको आगे करिए। एक छोटे छोटे राजनीतिक दल आज कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस करिए। गुलाम नबी आजाद गए थे पटना में, एक बड़ी सभा हुई थी, उसमें नीतीश जी ने कहा कि आई लव यू, जल्दी बोलिए, लेट हो रहा है, यानी कि आप सेक्रीफाइस करिए, आप बोलिए कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, आपको नेता मान रहा हूं। कांग्रेस का ये वक्त, कांग्रेस का ये इस पोजीशन में आ जाना लोकतंत्र के लिए दुखदाई है, कांग्रेस पार्टी के लिए दुखदाई है ही, लोकतंत्र के लिए दुखदाई है कि एक समय की राष्ट्रीय पार्टी आज क्षेत्रीय छात्रों को के सामने घुटने टेक चुकी है। ये कांग्रेस के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्षण, इससे बड़ा दुर्दिन कांग्रेस का नहीं हो सकता। हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व में अगर लोग साथ में आते हैं तो ये कहा जा सकता है कोई बात है, लेकिन कांग्रेस खुद इस तरह सिमटती जा रही है और आधारविहीन होती जा रही है कि कांग्रेस को इस तरह से करना पड़ रहा है। और जब जिस समय कांग्रेस क्षेत्रीय छात्रों के सामने घुटने टेक देगी, वैसे नहीं सही संभावनाएं भी कांग्रेस की समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के काडर जो है, कार्यकर्ता जो है, हर जगह, तो बिहार में बात कर रहे थे, बिहार में एक फॉर्मूला बना कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, 4 विधायक में 1 मंत्री बनाएंगे, कांग्रेस के पास 20 है, 2 बना के छोड़ दिया, यानी कि कांग्रेस को हर जगह अनुकंपा पे रखा है। कांग्रेस जहां भी कहीं शासन या सत्ता में साथ में, उनको अनुकंपा पे के नजर से देख रहे हैं, और इस कारण से कांग्रेस के कार्यकर्ता का जवाब एमएजी से ही ले रहे हैं, एमएजी बोल निराश महसूस कर रहे हैं। एमएजी कुछ कह रहे थे आप, और साथ ही ये भी बताइएगा, इसका जवाब भी दीजिएगा, जो धनंजय जी बोल रहे हैं। एमएजी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भाई साहब जिस तरीके से बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा, एक शायरी उन्होंने कहा, तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि हमको मालूम है सच्चाई, कहते ना यूं तो दुनिया ने सर आंखों पे बिठा रखा है, वरना सबको मालूम है तेरी हकीकत क्या है। दूसरी चीज मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूं, आपने क्षेत्रीय दल की बात कही, उत्तर प्रदेश में भाजपा से आपने गठबंधन किया, आपने असम में बोडो से गठबंधन किया, आपने बंगाल में जन मुक्ति और गोरखा से गठबंधन किया, ऐसे गोवा में आपने फॉरवर्ड ब्लॉक से गठबंधन किया, उन तमाम लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया। आपको शायद वो सारी चीजें याद नहीं है, उसको भी जरा सा जहन साजी करिए और उनको याद रखिए। अब रह गई बात गठबंधन धर्म की, तो बिहार में हम 2 बने या 10 बने, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हमने बहुत से ऐसे राज्यों में सरकारें बनवाई और बनाई है जहां हम पीछे से भी उनको सत्ता दिया है कि आप सरकार को चलाइए, हम आपके सहयोग में रहेंगे। मैं दिल्ली की बात उदाहरण दूं, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी 49 दिन की सरकार बनाए तो कांग्रेस बिना शर्त समर्थन दी थी और उनकी सरकार में शामिल हुई। रह गई बात, आप जिस तरीके से इस बात को कह, देखिए देश आज जो है कहीं ना कहीं पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। आप उसको क्यों नहीं बयान कर रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे नहीं पाए। आज जनता डिमांड कर रही है, देश का नौजवान जो है आपसे 40 साल और 35 साल की नौकरी की बात कही थी कि आपको जो है 2-3 साल की नौकरी मांगी थी, आप उसको भी ख्याल रखिए। आज आप महंगाई की बात नहीं कर पा रहे हैं, आप कांग्रेस की फिक्र ज्यादा कर रहे हैं। आप ये कहिए ना कि हमने गैस का सिलेंडर जो है 1100-1200 रुपया कर दिया, आप ये कहिए ना कि हमने पेट्रोल का डीजल का दाम 100 के पार कर दिया, आप कहिए कि सब्जी के दाम हमने बढ़ा दिया, आप कहिए कि हम सरसों के दाल बढ़ा दिए, तेल बढ़ा दिए, आप कहिए कि हमने शक्कर चीनी बढ़ा दिए, आप इन तमाम चीजों को क्रम संख्यावाज बताइए।
आप क्यों कह रहे हैं कांग्रेस 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 के विधायक, और याद करिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक डीएम कार्यालय के सामने अपनी ही सरकार के सामने लंबा लेट गया था, वो क्लिप भी आपको दिखा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। तो ये चीजें कहने के लिए नहीं है, आप जो कह रहे हैं उसको अपने अंदर आत्मा से भी देख सोचिए और खुद के अंदर भी झांक कर देखिए बड़े भाई, ऐसा नहीं है। और देखिए जो सवाल ये है कि देखिए आप तमाम पार्टियों को एकजुट लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार इससे पहले हम यूपी चुनाव को ही देख ले, अगर 2019 की बात करें तो सपा और बीएसपी का वो साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को चैलेंज नहीं कर पाए थे, टक्कर नहीं दे पाए थे, उनका हाशा आपने देखा था। क्या आपको लग रहा है ये जो आप गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टक्कर दे पाएगा 2024 में बीजेपी को? देखिए हम कांग्रेस के लोग गठबंधन नहीं कर रहे, जनता चाहती है गठबंधन करे कांग्रेस के लोग, जनता चाहती है कि अब इस देश में वही सरकार में आए जो गरीब मजलूम पीड़ित शोषित समाज तमाम तबकों को एक बार फिर से पुनर्जीवित करे, वैसी पार्टी की जरूरत है। और आपने कहा कि सपा और बसपा और कांग्रेस, देखिए समय बलवान होता है, मैं आपसे बड़ी ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं समय बलवान होता है और आने वाला समय आप देखिएगा किस तरीके से देश की दशा और दिशा बदलने जा रही है, किस तरीके से इस देश में एक बार फिर से यूपीए की सरकार बनेगी और यूपीए सत्ता में आएगी। ठीक है धनंजय जी, जनता चाहती है कि ये गठबंधन बने, एकजुटता हो विपक्षी पार्टियों की। और सवाल धनंजय जी मेरा ये भी कि ये जो एकजुट विपक्ष है ये कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए दो बातें हैं, एक हमारे भाई साहब ने जो बातें कही उन्होंने मेरी बात की तस्दीक की, उन्होंने कहा कि हाँ हमने अरविंद केजरीवाल को बिना शर्त समर्थन दिया और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इनको चट कर दिया, दिल्ली में इन्हें चट किया पंजाब में भी चट कर दिया। तो ये कांग्रेस के साथ समस्या ही यही है, कांग्रेस जिन्हें जिसको पोलित पासित किया, जिसको भी पासा पोला वो सारे लोगों ने कांग्रेस को समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यही कारण से कांग्रेस, इसी कारण से भाईजान आप बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, अपने समय पे बोलिएगा, जहनियत रखिए। तो अपन तो इस तरह से कांग्रेस के साथ समस्या भी यही है, जो जो क्षेत्रीय छतरप इनके खड़ा हुए उन्होंने कांग्रेस को समाप्त कर दिया। अब दूसरी बात भी आप कह रहे हैं कि सारे विपक्षी एक हों और हम विपक्ष में रहे, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं इसलिए विपक्ष का सम्मान करते हैं। मुद्दा आधारित विरोध होना चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं, मुद्दा आधारित अगर कोई विरोध हो तो उसका हम स्वागत करते हैं। अब अगर बात हर बात सलीके से कही जाएगी तो सलीके से उसका जवाब मिलेगा, लेकिन चूंकि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये कांग्रेस के राज में जो घोटाले थे, जमीन में घोटाला, आसमान में घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जीआईजी घोटाला, एक सरकार है जिस पर उंगली उठाने के लिए 9 साल गुजर गए, किसी के पास कुछ है नहीं। तो इस देश की जनता सब, प्रबुद्ध जनता सब देख रही है, सब जान रही है, सब समझ रही है। और देश की जनता के दिलों में जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि व्याप्त है, इस तरह से हम लोग करके मुतमईन है, पूरी तरह से आश्वस्त है, संतुष्ट है कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है। जिस तरह से हम 14 सीटें लाए, 19 में से ज्यादा लाए, 24 में से ज्यादा सीटें कैसी आए, इस पर हमारी चर्चा है, इस पर हमारा चिंतन है, इस पर इसके लिए हम प्रयासरत। बोलिए बहन जी मैं अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि रमजान का समय है और समय हो गया है, बड़े भाई मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिर जरूर आपसे मुलाकात होगी। आदाब, रमजान मुबारक। धनंजय जी देखिए हम सवाल लगातार इसलिए भी खड़े कर रहे हैं क्योंकि देखिए इससे पहले कोशिश की गई थी और लगातार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी पार्टियों की अगर बात करें तो जिस तरह से साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये कह रही हैं कि एक मजबूत विपक्ष बनाया जाएगा और कड़ी टक्कर ये 2024 में देगा। क्या आप लोग चुनौती मानते हैं उसको या नहीं मानते हैं? नहीं देखिए, किसी भी चीज को सिरे से खारिज करना मुनासिब नहीं। चुनौती तब होगी जब कोई विचार हो, कोई दलों के दलदल में कोई देश का दिल नहीं लगा है। इस देश की जनता दलों कितने दल एक साथ आ गए और कितने बड़ा दलदल तैयार कर दिए, इसमें देश की जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं। देश की जनता को इंटरेस्ट है कि कौन सा दल है जिसके दिल में देश है, जिसके दिल में देश के गांव गरीब किसान नौजवान का दर्द है, आम आदमी का दर्द है, पीड़ित शोषित की चिंता है,
किसने कौन इज्जत घर बनवा रहा है, कौन किसान सम्मान निधि योजना लेके आ रहा है, कौन इस देश को आगे लेके जा रहा है, कौन इस देश की सीमाओं को जम्मू और सुरक्षित रहा है। पहली बार जहां यहाँ कांटी सुई तक नहीं बनती थी, वहां डिफेंस पर एक्सपोर्ट करने लग रहा है देश। देश नित नई ऊंचाइयों को, नए मकान को कैसे छू रहा है। अकलियतों के बीच में भी मैं तो कह सकता हूं आपको दावे से कि मुसलमानों के भी मन में, पिछड़ों के प्राण में, अगड़ों की आस में, दलितों के दिल में और इस देश के जन जन में, कण कण में, हर व्यक्ति के हृदय में एक आदरणीय ऐसा वैश्विक नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आया है कि हर कोई उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि गरीबी और गुर्बत उनके लिए कोई किताबी बातें नहीं है, वो भूख से भूपति तक की यात्रा है उन्होंने की है, वो गरीबी की कोख से निकले हैं और दुनिया को उन्होंने जीता है, देखा है। चूंकि उनके लिए कोई सहानुभूति का विषय नहीं है, स्वानुभूति का विषय है। उन्होंने स्वयं से अनुभूत किया है कि क्या होता है एक गांव गरीब किसान का दर्द, एक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा क्या होती है, इसको बखूबी जानते हैं। और इसीलिए दिन रात प्राणों की वर्तिका बनाकर जिस तरह से जल रहे हैं और जिस तरह से देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। दल कितने के साथ आएंगे कोई विषय नहीं, जो देश के लोग कितने के साथ आते हैं, जमहूरियत में जनता मालिक है, जनता क्या तय करती है, जनता क्या सोचती है, कितने लोग आएंगे, लड़ेगा तो कोई एक ही सीट उस सीट पर, लेकिन हमारे तरफ से भी एक ही आदमी लड़ेगा। जनता जिसे वोट देगी, छू सर झुकाना पड़ता है जमहूरियत में, जनता के कदमों में सियासत नहीं, हाथ सरदारी नहीं आती। तस्वीर निकल कर आएगी, विपक्षी दल देखिए आने के साथ कोशिश तो कर रहे हैं, आज तस्वीर भी सामने निकल कर आई, लेकिन कितनी सफल हो पाती है ये अभी भी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि अहमद जी लगातार यही कह रहे थे कि हम बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और 2024 में हमारी ही जीत होगी। धनंजय जी, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो अब किस रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे 2024 के लिए, क्योंकि देखिए विपक्ष की तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आज तस्वीर भी सामने निकल कर आ गई, अब एक एक करके वो आगे बढ़ेगी, आपकी क्या तैयारी है? देखिए हमारे पास कोई, हम मंत्रवत नहीं, यंत्रवत नहीं, मंत्रवत समाज बना रहे हैं, समाज ऐसा जिसमें सबके लिए जगह हो, और इसका महामंत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस महामंत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा शासित प्रदेशों में ही नहीं, भाजपा के शासनकाल में पूरे देश में जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग काम में लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसी सेवा भाव से आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में है, और हम इस महामंत्र को लेकर के जन जन के बीच में खड़े हैं, जन सरोकार के जुड़े हुए मुद्दों के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं, और जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े होने के कारण ही देश में के लोगों के दिलों में अपनी जगह जो है मुकम्मल कर पाए हैं, और इसलिए देश की जनता के साथ हम विश्वास में हैं। हम इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा। आप कुछ देर पहले आप ही बता रहे थे कि बुआ बबू आए, हाथ और हाथी भी आए, कई प्रयोग किए गए, सारे प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन सारे प्रयोग क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि दिल में दल है, दिल में देश नहीं है। अगर दिल में देश होता तो तस्वीर कुछ और होती, तस्वीर और तस्दीक बदल सकती है, लेकिन अगर दिल में दल है तो फिर मुश्किल है। लक्ष्य क्या है? कांग्रेस का लक्ष्य है कि राहुल गांधी को लॉन्च कर दें, लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग नौटंकी करके वो लोग राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रीय क्षेत्र में नाम लेने ला चाहूंगा, लेकिन उनकी सारी कवायद क्या है? अब आप जदयू की बात करिए तो नीतीश कुमार से शुरू, नीतीश कुमार पे खत्म। आरजेडी की बात करिए तो लालू परिवार, सपा की बात करिए तो अखिलेश परिवार। इस तरह से जब राजनीतिक दल विचारों के बल से नहीं, परिवारों के बल से चलने लगे, तो इस देश की जनता जो प्रबुद्ध हो रही है, जो आगे युवा हो रहा है, उसको पता है कि भाई क्यों हम इनके साथ जाएं, क्यों हम एक परिवार की चाकरी करें। लेकिन अभी कांग्रेस में भी लोगों की, आम लोगों की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, कई मुद्दे हैं, विपक्ष जनता की आवाज को उठा रहा है, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, इससे पहले अहमद जी भी बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत कर रहे थे, तमाम चीजों को आमजन देख भी रही है, और जब जब विपक्ष की तरफ से इन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई गई है, तो कहीं ना कहीं बाद में ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से कि सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखिए, इससे पहले हम राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ, संसद सदस्यता चली गई उससे पहले, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार यही कहता हुआ नजर आया कि हम तो, राहुल गांधी तो आवाज उठा रहे थे, सवाल कर रहे थे, जिसमें कोई गलत बात थी नहीं, हम लोग आवाज उठा सकते थे, लेकिन हमारी आवाज को दबाया गया, लगातार विपक्ष ये कहता हुआ नजर आता है। देखिए राहुल गांधी जी जिस कोर्ट के ऑर्डर से उनकी सदस्यता गई, उसी कोर्ट के ऑर्डर से, उसी न्यायपालिका के व्यवस्था के तहत वो 420 के केस में जमानत पर चल रहे हैं। उसी न्यायपालिका के और उसी संविधान के
तहत उन पर एक रेप के आरोप लगे थे, बलात्कार के आरोपी थे वो, उसने उस न्यायपालिका ने कोर्ट को खारिज कर दिया। तो उसी वही न्यायपालिका जब राहुल गांधी को तमाम तरह की सुविधाएं देती है, तमाम तरह का संरक्षण प्रदान करती है, इस देश के कानून के तहत उनको जो सुविधाएं मिल सकती थी वो मिलती हैं, तो न्यायपालिका ठीक है। और इसी देश के संविधान और कानून जो कांग्रेस पार्टी ने ही ऑर्डिनेंस ला करके बनाया था, वही ऑर्डिनेंस जिसको उन्होंने मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के बनाए हुए ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ फूड कर फेंक दिया था, जैसे बच्चे करते हैं, और उसको उस पर पूरे कांग्रेस पार्टी ने ताली बजाई थी, तो वो सुपर प्राइम मिनिस्टर की उनकी इच्छा भी क्रिएट की गई थी। तो उसी संविधान, उसी पास किए गए ऑर्डिनेंस के तहत उनके कमेंट पर कोर्ट ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। अब इसमें किसका क्या लेना देना है, आप बताइए मुझे, इसमें किसका क्या लेना देना है? ये तो नाखून काट करके सही धोने वाली बात है। राहुल गांधी जी, अब प्रियंका गांधी भाषण देती है कि राहुल गांधी जी सामान बांध के अकेले बैठे हुए थे, इन्हें बताना चाह रही है अगर उनसे, ये कितनी हास्यास्पद बात है। यानी कांग्रेस में कोई व्यक्ति ही नहीं बचा, न कार्यकर्ता, न कोई खैर खा उनका, यानी कोई है ही नहीं, वो तो खुद ही कर रही है। जब इस माइंड सेट से कांग्रेस के लोग बात करेंगे, इस माइंड सेट से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, तो आप समझ क्या रखें इस देश की जनता को, किस तरह से आप वोट पाएंगे, किस तरह से आप रिजल्ट पाएंगे? आप बताइए, जब आप कहते हैं कि सामान बांध के राहुल बैठा था, कोई के पास नहीं थे, यानी कांग्रेस में कोई है ही नहीं। आपको कांग्रेस को आपने स्वतंत्रता सेनानियों, नेशनल हेराल्ड के केस में स्वतंत्रता सेनानियों, वो तो केस किसने किया था? उस मरहूम शांति भूषण जी ने किया था, आजादी के तमाम लड़ाई लड़ने वालों ने किया था। आपकी सरकार ने कहा कि केस बंद करो, डिपार्टमेंट ने सीबीआई ईडी ने केस बंद करने के लिए कोर्ट में दी, कोर्ट ने कहा कि केस बंद नहीं करेंगे, इस केस में किस केस में जांच होनी चाहिए, कोर्ट के आदेश से फिर जांच शुरू हो गई। अब उसमें 420 के एलिगेशन आप पर, आपकी माता जी पर प्रूफ है, आप कोर्ट में गए, केस को एबॉलिश कर दिया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, केस प्रथम दृष्टया केस पर बनता है, आप पर चार्ज फ्रेम कर दिया, पर आपको उसमें बिल लेना पड़ा, बिल लेने के लिए आप पूरे कांग्रेसियों को सड़कों पर लेटा दिए, पूरे दिल्ली में आपने देखा होगा जो ड्रामा चला। धनंजय जी, देखिए, हम विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे थे, अगर हम बात करें जिस तरह से हमने पहले राहुल गांधी को, इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार को सुना, वो कह तो रहे हैं कि एकजुट किया जाएगा विपक्षी दलों को, लेकिन क्या ममता की बात की जाए, अखिलेश की बात की जाए, मायावती की बात की जाए, केसीआर की बात की जाए, इनको, इनसे बातचीत करके इनको साथ लाया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि ये साथ होंगे, क्या लग रहा है आपको? मैं लाइटर विन में आपको एक बात सुना देता हूँ। हिंदी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो बहुत बुरा लगता है। इसी तरह के राजनीतिक दलों की दोस्ती है कि ये चाहते हैं कि दोस्ती रहे, लेकिन मुझसे एक सीट ज्यादा किसी मेरे एलाइज को ना आए। अब इस तरह में कैसे ये दोस्ती होगी, कैसे अलायंस चलेगा और कैसे ये अलायंस कारगर होगा, ये इसका तो मालिक ऊपर वाला ही। चलिए, ठीक है धनंजय जी। धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए, इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे दिल्ली में, आज जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी के साथ ही नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं, जो रणनीति बनाई जा रही है, जो करने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोशिश तो यही है कि सभी को एक साथ लाया जाए, एक कड़ी टक्कर 2024 बीजेपी को दी जाए, लेकिन ये कितनी सफल हो पाती हैं पार्टियां एक साथ मिलकर, ये देखना अहम हो जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे, इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।